लगता है सारा सामान समेटना ही पड़ेगा। कहाँ से शुरू करूँ, किसे कहाँ रखूँ? हैं? ये क्या है, मंत्रों की किताब? जिन मंत्र? हैं? जिन मंत्र? मतलब ये मंत्र जिन को बुलाने के लिए है। जिन आ जाएगा तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वही एक एक कपड़े को तह लगाकर अलमारी में रख देगा। और इस कमजोर कुर्सी की जगह मेरे लिए आलीशान गद्देदार सोफा ला देगा। टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम, टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। छे नए गुलाम जिन। मंत्री, इन कैदियों के गुनाह पढ़ो, फिर हम इनकी सजा सुनाएंगे। बिन बुलाए हमारे देश में आए, हमारे जिन से बातें करी, हमारे जिन को बोतल से आजाद करने की कोशिश करी, हमारे जिन से सवाल पूछे। सवाल पूछे तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? ओहो, एक और सवाल पूछ लिया। अब इसे और भी कड़ी सजा मिलेगी। अगर गुनाह कम होते तो लैम्प की गुलामी मिलती, पर अब मिलेगी 1000 साल बोतल में कैद की सजा। एक सवाल है, क्या जिन लड्डू खा सकते हैं? हमने कभी खा के देखा नहीं। ये लड्डू भी हमारी तरह जिन बन गया और हवा में लटक गया। उल्टा मंत्र पढ़ो जल्दी और हमें वापस ले आओ। टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम, जिन जिन जा बन सिम किम दिन टिन। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। सोचना होगा वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। हम अभी चाचा के पास चलते हैं, वो अपने किसी आविष्कार से हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। सही कहा चुटकी, अभी चाचा के पास कोई तरकीब जरूर होगी। हम में से चॉकलेट की तेज खुशबू आ रही है, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। कालिया, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, लगता है दूसरों को भी भूख लग रही है। सावधान रहो। दरवाजा खोलिए।
कौन है? बच्चों ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? जल्दी कुछ कीजिए अभी चाचा, अब तो अगर चूहा भी मुझे घूर कर देता है तो मुझे डर लगता है। प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे, इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। ये कैसा खाना है? करेले का रस। राजू लड्डू कहाँ है? इसमें क्या राजू? ये क्या? मौसी का लड्डू हरे हरे रंग में। भीम कुछ गड़बड़ लग रही है। चुटकी मौसी को क्या हो गया है आज? माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, अब लड्डू भी ठीक बने, अदरक लहसुन नमक सब ठीक डाला मैंने। लड्डू में नमक? मौसी लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। और क्या डालते हैं मुझे नहीं पता। क्या? माँ ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम, टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। तुम्हारे लिए टुन टुन, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी आप यहाँ? पर आप तो आज वैसे खरीदने मंडी जाने वाले थे। आमोश, हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस नंदू से मिलना नहीं छोड़ा। कहाँ है वो लड़का बताओ, कहाँ है? ये लड़का नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। है? क्या कहा? अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर तुम तुम का हाथ मांगना होगा। मेरी बात समझ में आई? नीला गुलाब।
पर नीला गुलाब ही क्यों पिताजी? मुझे तो लाल गुलाब ज्यादा पसंद है। हंसना बंद करो। नीला गुलाब इसलिए क्योंकि पहाड़ी के पुराने किले के अलावा वो और कहीं नहीं उगता। पहाड़ी का पुराना किला? पर वहाँ तो बड़ा दुष्ट आदमखोर रहता है, किसी को किले में पैर तक नहीं रखने देता। तो क्या हुआ? हम परखना चाहते हैं कि इस लड़के में कुछ दम है भी या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हें संभाल पाएगा या नहीं बेटी। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। ठीक है। जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुन टुन, जा रहा हूँ। पिताजी, मैं नीला गुलाब लाकर ही आपसे टुन टुन का हाथ मांगूंगा। हाँ। चिन चिन दिन दिन किम किम सिम सिम चिन चिन जा बन सिम किम दिन चिन। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती।